कोरोना संदिग्ध भाई बहन ने की डॉक्टरों से बदसलूकी, इमरजेंसी सेवा को कुछ देर किया गया ठप, प्रशासन की दखल पर मामला हुआ शांत, युवक गिरफ्तार। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड से सटे इस्माइलगंज मोहल्ले में लोगों के बीच दहशत, वार्ड से फेंके जा रहे हैं थूक, खखार और कुल्ले का पानी। सीबीएसई करेगा वर्ग 1 से 8 तक के सिलेबस से चैप्टर कम, एनसीईआरटी करिकुलम को कर रहा है तैयार। रोजेदारों ने घर से ही पढ़ी तरावीह की नमाज, मस्जिदों से बनाई दूरी। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं हूं मीनाक्षी। शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। के दरभंगा में डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज द्वारा डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। पुणे से दरभंगा आए भाई बहन जो कोरोना संदिग्ध थे, वो लगातार डॉक्टरों का सहयोग नहीं कर रहे थे। इसको लेकर डॉक्टर उन लोगों को समझा भी रहे थे, पर उल्टे वो लोग डॉक्टरों के साथ ही बदसलूकी करने लगे। आज बात इतना बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गया। कोरोना संदिग्ध मरीज और जूनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि इससे नाराज डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा भी कुछ देर के लिए ठप कर दिया था। डीएमसीएच हंगामा मामले में एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोरोना संदिग्ध युवक पर आरोप है कि उसने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की है। बताया जाता है कि संदिग्ध युवक इलाज में सहयोग नहीं कर रहा था। युवक के बदसलूकी से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा को ठप कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल अधीक्षक, जिला प्रशासन एवं दरभंगा पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला एवं जूनियर डॉक्टरों के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद आपातकालीन सेवा बहाल हो गई, वहीं युवक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं जूनियर डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि लगातार इन लोगों के द्वारा डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की जा रही थी, ये लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने युवक की गिरफ्तारी को लेकर आपातकालीन सेवा को ठप कर दिया। यहाँ पे 2 पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था एज ए सस्पेक्टेड, प्रिया एंड मनोहर। दोनों पेशेंट का सैम्पलिंग हुआ था, तो क्लियर आया तो उनका रिसैम्पलिंग होना था। तो दोनों पेशेंट कल से हैं, जब से भी एडमिट हुआ है दोनों पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी मिसबिहेव उस दिन से ही कर रहा था। फ्लू कॉर्नर से ही काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था इस सबके साथ। तो आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो लोग बिना मास्क के 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में बिना मतलब के घूम रहे थे, जहाँ तक घूम रहे थे बाहर निकल रहे थे। ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने समझाया कि आप बिना मास्क का ना निकले, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपके रूम तक हम पहुँचवा देंगे। इतना कहना था, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया उनको, तो मैं किया मिडिल फिंगर दिखाना शुरू किया। इन्होंने फिर से समझाने की कोशिश की, उन्होंने अटैक किया, झूठा पानी फेंका और हमला किया इसके ऊपर। इसलिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसकी काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है उनकी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जितने भी पीजी हैं वो अपने सुपरिटेंडेंट सर से हम लोगों ने बात किया, इमीडिएट एफआईआर, वो अरेस्ट हो तब तक, फिलहाल तक तब तक के लिए हम लोगों ने काम बंद कर दिया था। क्या क्या चीज़ बंद की आप लोग? अभी तो इमरजेंसी ओपीडी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम लोग इमरजेंसी हम लोगों ने बंद किया था। कोरोना वार्ड? कोरोना वार्ड में तो ऑलरेडी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब कुछ काम फिलहाल यहाँ का भी बंद। हाँ, काम चल। क्या चाहते हैं आप लोग? इमीडिएट एफआईआर उनको और अरेस्ट किया जाए। पैंडेमिक एक्ट 2020 के तहत उनके ऊपर एफआईआर हो। अभी डीएमसीएच के प्रिंसिपल और अधीक्षक और भी पदाधिकारी लोग यहाँ हैं, क्या वार्ता हुई है? सर आए हुए हैं, सर ने हमारी मांगों को माना है, एफआईआर हम करवा रहे हैं उनके ऊपर में। जैसे एफआईआर हो जाती है ना वर्क रिज्यूम कर देंगे। नाम के ऊपर एफआईआर है? ये वो जो जिन्होंने अटैक किया है, जो हमला, नाम हमला डॉक्टर नटवर मेडिसिन के, नाम बताइए अपना। डॉक्टर राकेश, देखिए ये लोग जो है एक भाई एक बहन थे, एक बम्बई से एक पुणे से आए थे। उस फ्लाइट में जिस फ्लाइट में एक पॉजिटिव निकला था उसी के लिए यहाँ पर जांच के लिए आए गए थे, क्वारंटाइन में थे। जांच में एक आदमी का जो है निगेटिव हो गया था, उसको छोड़ने के लिए जिद करते का भी स्वयं का भी लिया गया, हालांकि उसकी जांच अभी तक नहीं आई थी। इसी में जो है कि डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया गया है। डॉक्टर लोग का कहना कि हमारे साथ जो हम पर जो है कि बोतल जो पानी पीती थी झूठा फेंका गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, सरकारी काम में बाधा दिया। बहुत समझाने के प्रयास, बार बार निकल कर भागने के प्रयास करते थे,
और मेरे साथ जो है कि मारपीट भी किया गया है। अभी क्या कहा भाई? जो है कि लिखित दिया गया है, जो यहाँ के जो देख रेख कर रहे थे उनके द्वारा लिखित दिया गया है, उनके लिखित आवेदन के आधार पर जो है कि जिसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसका निगेटिव निकला है और उसको जो है हम लोग को ले गए हैं, कस्टडी में ले लिया सर। कोरोना वार्ड 36 से सटे इस्माइलगंज मोहल्ले के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। उन लोगों का कहना है कि जब से यहाँ पे कोरोना सेंटर बना है तब से कोरोना पेशेंट खिड़की से मोहल्ले की तरफ अपना कुल्ला थूक और खखार इत्यादि फेंकते हैं, जिससे हम लोगों को काफी डर लगता है कि कहीं हम लोगों में भी कोरोना ना फैल जाए। वार्ड नंबर 36 के अंतर्गत आने वाले इस्माइलगंज मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में वार्ड से सटे लोग रह रहे हैं। इन लोगों पर इन दिनों आफत आ पड़ी है, क्योंकि जब से वहां कोरोना वार्ड बनाया गया तब से वहां रहने वाले मरीज अपना सारा खखार थूक और कुल्ला खिड़की के रास्ते से मोहल्ले की तरफ फेंकते हैं। लोगों का कहना है कि इससे कोरोना का संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। अब तक इस वार्ड में कोरोना को लेकर साफ सफाई का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया है, ना तो ब्लीचिंग पाउडर या चूना का छिड़काव किया गया है और ना ही क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया है। इस लापरवाही से मोहल्ले के लोगों की जान खतरे में है। लोग कहाँ गुहार लगाएं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। ऐसे में जब हमारी चैनल ने उनकी समस्या सुनी तो उनके चेहरे पर कोरोना का खौफ साफ साफ झलक रहा था। DMCH के कैंपस में जो आइसोलेशन वार्ड रखा गया है उसके वजह से हम लोग का मोहल्ला इस्माइलगंज एकदम नज़दीक ही में है, उसके जस्ट बगल में, तो हम लोग बहुत ही दहशत के माहौल में जी रहे हैं क्योंकि खुदा ना करे किसी तरह का कोई मामला हो जाए और सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है। सैनिटाइज होना चाहिए, नाली वगैरह साफ़ होना चाहिए, मच्छर उच्छर का छिड़काव होना चाहिए। और आइसोलेशन वार्ड चूँकि एकदम नज़दीक में है मोहल्ले के, उधर से पेशेंट वगैरह पानी वगैरह कुल्ली उल्ली फेंकते हैं। ये जस्ट ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये कोरोना वार्ड है। ये बिल्डिंग हम लोग के जस्ट मोहल्ला से सटे हुए हैं, मोहल्ला इस्माइलगंज, यही बिल्डिंग है जहाँ आइसोलेशन किया गया है, लोगों का चेकअप होता है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर माहौल में है दहशत में। एक भी दिन सैनिटाइज वगैरह नहीं हुआ, सैनिटाइज होना चाहिए पूरा बिल्डिंग भी और इसके मोहल्ले आसपास का मोहल्ला भी सैनिटाइज होना चाहिए। इससे क्या लगता है हम लोगों को, आजकल में फैलेगा क्या कीड़ा उड़ा हम लोग के कभी बताइए? हाँ फैलेगा नहीं, इधर आइसोलेशन वार्ड है तो जाहिर सी बात है कि फैलने का खतरा है। आज जो है दूसरे जगह से बहुत पेशेंट आए हैं, बहुत जगह जगह से ला करके यहाँ रखा जाता है पेशेंट को, यहाँ चेकअप होता है, तो खतरा तो है ही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नासिर हुआ। ये कौन सी जगह? इस्माइलगंज लहरियासराय दरभंगा। बहुत ज़्यादा दहशत है, हम ही लोग का पूरा गांव वाले का दहशत है, अगल वाले अगल बगल वाले का। किस चीज़ का दहशत है? कोरोना का। बिल्कुल सटे हुए हम लोग के गांव के ही बाद बिल्कुल सटे हुए है, पूरा जरूरी है ना। क्या चाहिए? दवा हुआ दिलवाते रहिए, छिटवाते रहिए हर चारों तरफ, इससे हो सकता है गंदगी फैलेगी, उससे नुकसान होगा गाँव वाले को। कहीं कहीं पानी लगा हुआ है सर? हाँ कहीं कहीं पानी लगे, मस्जिद के बगल में देखिए, उस तरफ जा कर के देखिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इलियास। ये इस्माइलगंज है, इस्माइलगंज के बगल में कोरोना वार्ड है, उसके बगल में जो है सो साफ़ सुथरा कुछ नहीं हो रहा, दवा कुछ नहीं बट रहा, समझ गए, कोई देख रेख कुछ नहीं हो रहा। तो बोलिए, दवा वगैरह नहीं पड़ता है, छिड़काव नहीं होता है, समझा? क्या आप मांग कर किससे मांग करते हैं कि होना चाहिए? मांग करते हैं कि होना चाहिए। आपके पार्षद का नाम क्या है? हमारे पार्षद का नाम है बबी खान। तो उनसे मांग करते हैं कि एक सैनिटाइज करवाना चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ? किसका? आपका। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड
उत्तराखंड के रानीपुर पंचायत में टूट कर गिरा बिजली का पुल, जिससे लोगों में काफी दहशत फैल गया है। लोगों का कहना है कि वो लोग कई महीनों से बिजली विभाग में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के रानीपुर पंचायत में बिजली का पोल टूट कर गिर गया है। इस पोल को लेकर महीनों से लोग बिजली विभाग में शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बता दें कि इस पोल के नीचे एक बच्चे की भी जाने की खबर थी, लेकिन वह बाल बाल बच गया और अभी वह बच्चा सुरक्षित है। लेकिन आने वाले दिनों में बरसात और बाढ़ बाकी है और बगल से नदी भी गुजर रही है। ऐसे में समस्या बढ़ गई है कि अगर नदी में पानी भर जाता है तो पूरे नदी में भी करंट आ सकता है। इसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी चिंता बढ़ी हुई है। बिजली विभाग को शिकायत करने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। किस तरह की समस्या सर? हमारे गांव में रानीपुर पंचायत 15 वार्ड में जैसे कुछ रास्ता कुछ गड़बड़ है और ये बिजली गिरने का कारण है। जो बाढ़ आया था उसमें जो गिर गया था पोल, और उस दिन से कितने आवेदन गया है APG न्यूज़ वाला के भी कहा, और इसके कारण जो है एक बच्चा को करंट भी लग गया था लेकिन बाल बाल बच गया, और कितने बार आवेदन हम सब दे चुके हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे यार के जैसे तो अभी थोड़ा मोड़ा बारिश हुआ है, चलने का भी रास्ता बिल्कुल बेकार हो गया है। तो इसको लेकर के किसी नेता को कहे हैं, विधायक के संजय सरावगी को कहे हुए हैं? क्या कहा? जैसे रोड बनने के लिए ठेकेदार को दिया गया है, आज साल भर से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं, बिजली के लिए क्या कहे तो बिजली के लिए जो है सरावगी को हमने कहा है। तो इस तरह की जिस समस्या विभाग को कहे कुछ? जी विभाग को कहे हुए हैं। विभाग क्या कहा? विभाग ना रिसीविंग दिया ना कुछ दिया, अब आवेदन ले लिया आपने। क्या नाम है आपका? रविंदर सैनी, 15 वार्ड सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में PDS दुकानदार के यहाँ हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और यहाँ लोग नियम और सही वजन के अनुसार ही सामान का लेन देन कर रहे हैं। एक यूनिट पर 5 किलो PMKG वाई वाला चावल दे रहे हैं, और मासिक चावल भी साथ साथ दे रहे हैं। नियम वही है, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। क्या पालन हो रहा है? जी पूरा हम जैसे चूना का घेरा लगाए हुए हैं, लोग लाइन में लगते हैं और उसके बाद सब आदमी लाइन से सामान लेते हैं। यहाँ बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से और सिस्टमेटिक ढंग से बंटवारा हो रहा है। लोगों को खड़ा होने के लिए चूने से काला गोला बनाया गया है, और मशीन के द्वारा जो भी पर्ची निकलता है उनके यूनिट के हिसाब से उस हिसाब से उनको अनाज दिया जा रहा है, और मशीन के अनुसार ही उनसे पैसा लिया जा रहा है। वजन भी जहाँ तक है कि कुछ 50 ग्राम ज़्यादा ही करके दिया जा रहा है, कम नहीं है वजन। और केवटी थाना क्षेत्र से दरभंगा आने के क्रम में NH 57 पर चौधरी चरण यादव चौक दिल्ली मोड़ के पास सोहन अली खान नामक एक मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार से दरभंगा की ओर आ रही ट्रक ने मारी ठोकर। केवटी थाना क्षेत्र से दरभंगा शहर आने के क्रम में चौधरी चरण यादव चौक NH 57 दिल्ली मोड़ के पास सोहेब अली खान मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार से दरभंगा की ओर से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दिया। हालांकि मोटरसाइकिल की क्षति नहीं हुई और सोहेब खान को भी ज़्यादा चोटें नहीं आई। तुरंत स्थानीय पुलिस ने घायल सोहेब अली खान को उठाकर तत्काल डिटॉल इत्यादि देकर राहत दिया। अभी तुरंत यहीं पर हम इधर से आ रहे थे, ट्रक इधर से टर्न मारा, आगे डिक्की में मार दिया, ब्रेक नहीं मारा सर। फिर क्या हुआ? सब लोग उठा दिए। और कहाँ से आ रहे थे आप? यहीं से केवटी थाना से। अच्छा, और ट्रक दरभंगा से आ रही है, सोहेल अहमद का। सोहेल अहमद व्यक्ति को पत्थर मार दिया। हाँ, अभी यहीं पे ट्रक जा रही थी, पीछे से लग गया है, तो अभी हम ट्रक वाले को रोके हुए हैं, और इनका जो है प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो उपलब्ध था उनके द्वारा इनको सैनिटाइजर वगैरह हाथ में लगाया गया है, दबाव लगाया गया है। ये सुरक्षित? जी सुरक्षित। रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना पहला रोजा रखकर अपनी इबादत घरों से ही की। मालूम हो कि प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी करते हुए घर से ही नमाज अदा करने और सड़क या मस्जिदों में भीड़ न जुटाने की अपील लोगों से की।
इस बार रमजान पर मस्जिदों में तरावीह की नमाज लॉकडाउन को लेकर नहीं की जा रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि मस्जिदों में ना जाकर वे अपने अपने घरों से ही नमाज पढ़ें। प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि 3 से लेकर 5 की संख्या तक ही लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं और सरकार और प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। रमजान का चांद नजर आते ही मस्जिदों के अंदर तरावी की नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इस वर्ष कई ऐसे मस्जिद भी हैं जिसमें कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए तरावी की नमाज नहीं हो रही है और लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहकर तरावी की नमाज अदा करें। रमजान शरीफ का ये पहला रोज़ा है और हमेशा की तरह इस मरतबा तो नहीं हो रहा है। हमेशा तो ऐसा होता था कि चाँद निकलने के बाद तरावी का अहतमाम और मुसलमान बड़े पैमाने पर ज़ौक़ और शौक़ से रोज़े का अहतमाम करते, तरावी में शरीक होते, लेकिन इस मरतबा बड़े पैमाने पर, आलमी पैमाने पर ये जो कोरोना वायरस की वबा है इसके मद्देनज़र मुसलमानों ने एहतियात बढ़ता है और हुकूमत की जो पहल है कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस पर जो है फतह पाने के लिए जो पहल की है, लॉकडाउन है, इसके पालन करते हुए मुसलमान नज़र आ रहे हैं और ख़ुद मोहल्ला इस्माइल गंज दरभंगा की इस मस्जिद में जहां अभी हम खड़े हैं यहां भी हमेशा की तरह जो 5 लोग 4 मुक्तदी 1 इमाम से नमाज होती हुई आ रही है यही मामला है। और क़ुर्ब व जवार में जहाँ कहीं भी निगाहें जा रही है हर जगह यही मामला है कि 4 लोगों से नमाज लोग पढ़ रहे हैं, तरावी का अहतमाम लोग घरों पर रोज़ा नमाज घरों पर जो है बड़े पैमाने पर करते हुए आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। मुसलमानों की तरफ से जो ये मामले हैं, ये इबादत की जो तरीके जो अपनाए गए लोग कर रहे हैं, मैं इस ताल्लुक से जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत का हमें साथ देना है और ये याद रखना है कि तरावी की नमाज ये फ़र्ज और वाजिब नहीं बल्कि। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत में जिनका राशन कार्ड का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनका आधार कार्ड लेकर के फिर से नाम लिखवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत में जो लोग का राशन कार्ड का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उसे फिर से आधार कार्ड लेकर नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह काम आज तक किया जाएगा, इसके बाद प्रखंड में भेजकर काम किया जाएगा। इन सभी लाभुकों को जल्द राशन कार्ड मिलेगा। इस पंचायत में कुल 161 लोगों का नाम रिजेक्ट हो गया था, उन सभी को नाम मिलान किया गया, आधार से जोड़ा गया। अभी हम लोग वही कर रहे हैं, आपको जितना राशन कार्ड जो दिया गया है उसमें जो रिजेक्टेड लिस्ट आया है उस लिस्ट को जो है सो पुनः जो हम लोग आधार कार्ड राशन कार्ड का नंबर मिला करके ले करके ठीक करके भेजने का काम कर रहे हैं। ये कब से कब तक चलेगा? ये तो आज तक है टाइम जी। लगभग कितने लोगों का इसमें ये था? इसमें 162 लाभार्थी का था ना पूरे पंचायत में, तो ये लोग को बना के भेजेंगे जी। क्या नाम है सर? प्रभुलाल मंडल। सीबीएसई की 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव के बाद अब कक्षा 1 से 8 तक के सिलेबस को कम करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर एनसीईआरटी के मैनेजमेंट विंग ने काम शुरू कर दिया है। सीबीएसई के छात्रों को मिलेगी कुछ राहत, उन्हें अब कम चैप्टर पढ़ने होंगे, इसकी तैयारी कर रहा है सीबीएसई और जल्द ही इसके निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव किया है, साथ ही कक्षा 8 तक यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सिलेबस को भी कम करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर एनसीईआरटी के मेजरमेंट विंग ने काम करना शुरू भी कर दिया है। एनसीईआरटी की माने तो कक्षा 1 से 8वीं तक के सिलेबस को कम किया जा सकता है, कम कई चैप्टर हटाए जाएंगे, यह सेकेंड टर्म में सिलेबस लागू किया जाएगा। जुलाई के फर्स्ट टर्म की परीक्षा होने के बाद सेकेंड टर्म शुरू किया जाता है, सेकेंड टर्म के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। चूंकि अप्रैल से सत्र ऑनलाइन शुरू हो चुका है,
फर्स्ट टर्म का करिकुलम सभी स्कूलों में भेजा भी जा चुका है, उसकी पढ़ाई भी चल रही है। इस वजह से इसमें कोई बदलाव करना अब संभव नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म के सिलेबस को नया करिकुलम NCERT तैयार कर रहा है। इसके बाद 8वीं तक का नया करिकुलम लागू किया जाएगा। मालूम हो कि लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन NCERT ने चैप्टर को कम करने की कवायद शुरू कर दी है और जल्द ही ये बदलाव अब दिखने भी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले NCERT ने 9वीं से 12वीं तक का नया करिकुलम जारी कर दिया था। इसे बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसमें 2020 और 21 सत्र के जो बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी दी गई है। NCERT के चैप्टर कम करने की बात को यूं समझें विद्यार्थी, जिस कक्षा में जिन विषयों की किताबें चल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सारी की सारी किताबें वही चलेंगी, बस उन विषयों के चैप्टर में कमी की जाएगी। इसकी जानकारी स्कूलों को भेजने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही सिलेबस कम चैप्टर कम हो जाएंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो इसकी जानकारी स्कूलों को भी दे दी जाएगी। स्कूल शिक्षकों को भी जानकारी देने के लिए सेकेंड टर्म में किन किन चैप्टर को पढ़ाया जाना है इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन में ऐसे व्यक्ति जिन्हें भोजन पानी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा द्वारा 400 फूड पैकेट का वितरण किया गया। विश्वव्यापी कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन में ऐसे व्यक्ति जिन्हें भोजन पानी नहीं मिल पा रहा, वैसे लोगों के लिए प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा द्वारा 400 फूड पैकेट, जिसमें आटा, दाल, सत्तू, चीनी, नमक, बिस्किट, चाय, दूध, सरसों तेल आदि का वितरण एक साधारण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम, सिटी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनोज कुमार उपस्थित थे। कॉमर्स के द्वारा जो है कि जो जिनको घर में बड़े खाने पीने का जो वस्तु नहीं थे, उसके लिए इन्होंने करीब 500,000 पैकेट बनाए हैं, जिसमें आटा, तेल आदि का दिए हैं, जो बहुत ही विचारणीय और सराहनीय है। जो आज के आपदा की घड़ी में गरीब लोगों को जिसके पास खाने का ही नहीं है, उसको आप दे करके जो है बहुत ही कल्याणकारी है। इसी तरह के संस्थान द्वारा और लोगों को भी किया जाने से जन कल्याण निश्चित है, और इसके कारण है जो हम लोग कोरोना में जो है कि कोरोना को ठीक करने में सहयोग मिलेगा। यंग इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर छात्रों व कार्यकर्ताओं पर राजकीय दमन के खिलाफ पूरे देश में मनाया गया विरोध दिवस। देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश में UAPA कानून ला करके वैसे छात्र नेताओं की गिरफ्तारी करके उसको जेल में बंद कर दिया गया है, जिसमें मीरान, शकुरा और उमर शामिल है। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि UAPA जैसे काले कानून को वापस लिया जाए, और बेगूसराय में जो कह लीजिए पुलिसिया दमन के द्वारा विक्रम पोद्दार और ठाकुर संतोष शर्मा की हत्या हुई है, जो कि उसके वायरल ऑडियो से भी जाहिर हो रहा है, और उस हत्या के पीछे वहाँ के स्थानीय सांसद जो है उसमें शामिल है। तो हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं बिहार की नीति सरकार से और केंद्र के मोदी सरकार से कि आप जो है बेगूसराय के उस घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। आप भी अपने समाज के सजग प्रहरी बन सकते हैं। अब आप भी रिपोर्टर बन सकते हैं। बस हमें घटना स्थल की वीडियो बनाकर या फिर फोटो खींच कर भेजें, हम आपकी खबरों को प्रमुखता देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9122048787। दिन भर की खबरों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।